मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद से रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही धाम पहुंचे हुए हैं, वे भारी बारिश में छाता लेकर भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ एवं मद महेश्वर धाम में भी यात्री मौजूद हैं, जो बारिश के कारण रुके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। केदारनाथ की पहाड़ियां बर्फ से लकदक हैं। वहीं केदार यात्रा के विभिन्न पड़ाव में दो दिनों से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों एवं व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज खास तौर पर भारी बारिश को चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले क्षेत्रों तक बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है। केदारनाथ में भारी ठंड और बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में छाता लेकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं, वे बाबा के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद पुलिस के जवान उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है कि भारी बारिश के दृष्टिगत आप लोग अनावश्यक मूवमेंट न करें। जिस होटल लॉज धर्मशाला में आप लोग रुके हुए हैं, कृपया वहीं रहें, अनावश्यक मूवमेंट न करें। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट घोषित किया है। आप सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है, कृपया जहां आप रुके हुए हैं वहीं पर रहें और सुरक्षित रहें। इसके अलावा अन्य यात्रा पड़ाव पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों को भी जिला प्रशासन और पुलिस की टीम सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रही है। रविवार को भी केदारनाथ धाम में 15,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए, जिससे केदार यात्रा का आंकड़ा 1,00,000 पार हो चुका है। बरसात के मौसम में केदारनाथ पैदल मार्ग पर सफर करना बेहद खतरनाक है। हालांकि केदारनाथ में बारिश के बावजूद यात्रियों की भीड़ है। बाबा केदार के भक्त बारिश के बीच मंदिर परिसर में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी भी धाम में 3,000 से 4,000 के करीब यात्री ठहरे हुए हैं। ये यात्री कल से धाम में ठहरे हुए हैं। बाबा केदार का मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तों से भरा है और जय बाबा केदार के जयघोषों से गुंजायमान है। केदारनाथ की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है, जबकि धाम में लगातार बारिश हो रही है। हजारों की संख्या में बाबा केदार के भक्त यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यात्री सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा, रामपुर, सीतापुर, गुप्तकाशी सहित अन्य यात्रा पड़ाव पर यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बताया कि केदारनाथ धाम में बारिश जारी है और बारिश के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया कि वे जिस स्थान पर हैं वहीं सुरक्षित रहें और बारिश बंद होने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा पर निकले। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि केदारनाथ यात्रा का सोनप्रयाग से ट्रैक रूट शुरू होता है। यहां से केदारनाथ धाम तक 8,000 से 10,000 तीर्थ यात्रियों के रहने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा यात्रा के अन्य मुख्य पड़ाव सीतापुर, रामपुर, फाटा, शेरसीवा, गुप्त काशी में भी होटल लॉट मौजूद हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में रहने की उचित व्यवस्था है। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर स्कूल एवं कॉलेजों में भी तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था बनाई गई है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम के प्रति अलर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के चोटियों में जोरों पर बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में लगातार
सुबह से और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। यात्रियों को यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है और काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को बारिश के कारण करना पड़ रहा है। मैं समस्त तीर्थ यात्रियों से कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपने स्थान पे सही रहे, सुरक्षित रहे और जब तक मौसम सही न हो, साफ न हो, तब तक जो है कहीं भी यात्रा पे कोई भी यात्री न चले। ओम नमः शिवाय, जय केदार। वहीं केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड में दो दिनों से विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, जिस कारण व्यापारियों एवं तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। बिना लाइट के तीर्थ यात्री खासे परेशान हैं, उन्हें मोबाइल को चार्ज करने में परेशानी हो रही है, जबकि व्यापारियों के अन्य काम भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारा ग्रुप है, हम 15-16 लड़के हैं और कल से हम आए हुए हैं। हमें केदारनाथ की श्री हरि के दर्शन करने थे और अचानक ही मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम यहाँ रुद्रप्रयाग में ठहरे हुए हैं। यहाँ बहुत लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था थोड़ी कम पड़ गई है ज़्यादा लोगों के ठहरने की वजह से। और यद्यपि यात्रा प्रशासन शुरू करता है तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा जैसे श्री हरि की मर्जी। जिलाधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि केदार यात्रा के जिन पड़ाव में विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, वहां बिजली सुचारू करने के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। ये आप जानते हैं, यात्रा हमारा जो ट्रैक रूट है वो सोनप्रयाग से चालू होता है, तो करीब हमारे पास विभिन्न पड़ावों को मिला के 8,000 से 10,000 लोगों को ट्रैक रूट पे एवं केदारपुरी में रुकवाने की जो है व्यवस्था हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो है पूरी बना ली है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य पड़ाव हैं, जिस प्रकार से सीतापुर हो गया, रामपुर हो गया, सोनप्रयाग हो गया और आपका गुप्त काशी हो गया, फाटा हो गया, तो इन सब स्थानों पर पूरी प्राइवेट होटल्स की, लॉजेस की, धर्मशालाओं की पूरी व्यवस्था है, जिसमें सामान्यतः जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन्हीं सब में स्टे करते हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास इन सब तरीके से रूम्स उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो इस आपदा के दृष्टिकोण से जो स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग है उसकी भी पूरी डिटेल हमारे पास उपलब्ध है कि यदि कोई इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको होटल में या किसी धर्मशालाओं में या किसी अन्य स्थान पर अगर रूम्स वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इनके रुकने करने के लिए व्यवस्था के लिए वो उसकी एक ऑल्टरनेट व्यवस्था भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।